ता 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 जा जा। हमारे घर में आग लग गया था, फिर घर में जल गया ये कॉपी वगैरह, मतलब किताब वगैरह ये सारा, बाकी ये दो बच्चा था हमारे पास। जाना माने मागा चले करो जागा माने जागा माने हमारा बस नहीं आना जागा आता तेरी बेरो आवाज़ सोई है ना ना यानरो लगलगुरी दी देना क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। मैं म्यांमार से आई है 2007 में। हमारे देश में हमको शांति नहीं मिला, सारे बंदे को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं, जला रही है, तरह तरह जुलूम कर रहे हैं। तो इसी के चक्कर में हमको जान बचा कर निकलना पड़ा। हम भी सुना है हमारे दादा परदादे के ज़माने में हमारे जो जुबान है, जो बोली है, आपस में जो बोलचाल हो रही है, उनका लिकाई नहीं थी, पहले थी वो उन्होंने गायब कर दिया सरकार ने, हमारे देश की जो सरकार है उन्होंने 2018 में ये व्हाट्सएप के ज़रिए, ग्रुप के ज़रिए हमें सुना है, हमारे जो लैंग्वेज है वो निकाला है, वो लैंग्वेज हमने खुद सीखा है। सीखने के बाद भी इंशाल्लाह हम भी तालीम अभी भी जारी है, हम भी बच्ची को भी पढ़ा रहा हूँ। मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ यहीं पर पूरा हिंदुस्तान में हमारे जो बंदे हैं उनको भी ये तालीम लगाने के लिए, मतलब भाई बहन जो भी हो, क्यों अगर हमारा देश भी नहीं मिला तो लेकिन हमारे जो बोली है वो बोली तो नहीं जा रही है, जहाँ पर जाता हूँ वहीं पर बोली तो वो दूसरा बोली है, लेकिन हमारा बोली तो रह जा रही है ना। इसलिए हमारे लिए हमारे ज़ुबान की लिखाई भी सीखना भी हमारे लिए बहुत बेहतर कीमती चीज़ है। देखिए हमारे पास जो बंदे हैं वो सारा कबाड़े बीनते हैं, क्यों दिन में दो तीन सौ चार सौ कमाता है, उनका घर फैमिली भी परिवार भी चलाना पड़ता है, हमारे यहाँ का जुग्गी का भी किराया देना पड़ता है। मतलब जब हमारा देश छोड़ दिया तब से हमारे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ ज़मीन है नीचे, जहाँ पर जाता हूँ वहीं पर भी पैसे पैसे, तो लेकिन हमारे पास तो पैसा ही नहीं, इसलिए मुश्किल से जी रहा हूँ बस। रात में किसने आग लगा दिया पता नहीं, अभी तक मिला नहीं, सुराग भी मिला नहीं, क्या करूं। वो जो भी घर में अंदर थी, कपड़ा वगैरह, जो पैसा वगैरह कुछ भी थी, वो किताब वगैरह जो भी थी, वो सारा नुकसान, लैपटॉप भी था हमारा, वो सारा नुकसान हो गया। हम जो निकाला था वो तो जल गया, अभी जो हमने फिंडरे पे था वो जो निकालने वाला चीज़ थी वो सारा ख़त्म है। दो किताब बचा हुआ है, बाकी जो एक क्लास की, दो क्लास की, तीन क्लास, चार पांच क्लास की जो थी वो ख़त्म हो गया। हमारा तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गया था, हम इस पे भी बहुत मुश्किल, मतलब ये अफसोस कर रहा हूँ हमारा ज़िंदगी निकल, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं यहीं पर जो है, ना घर है, ना वतन है, ना कुछ है, लेकिन यहीं पर भी उनको भी ना देखेगी, यहाँ का जो पापा मम्मी कर रहे वो भी देखेगी, तो लेकिन उनको भी जो हमारे देश की जो फ्यूचर है वो भी भूल जाएगी, जो दीन का फ्यूचर है वो भी भूल जाएगी। इसलिए हम जब तक ज़िंदा रहूँगा इंशाल्लाह सारे बच्चे को, यहाँ पर जो भी बच्चे हैं उनको भी पढ़ाने की भी, पढ़ाने में भी है, अभी पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, और भी जहाँ जहाँ हमारे बंदे उनको भी मैं सिखाने के लिए, तालीम देने के लिए तैयार भी हूँ, वह भी कोशिश करते रहूँगा जब तक हमारा सांस रहेगा।